अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसन टेक। दोस्तों आज की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी करना चाहते हैं किसी पेपर को या किसी टेक्स्ट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे और आप भी नहीं कर सकेंगे कैसे पीडीएफ फाइल करनी है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आप बात करते हैं कि पीडीएफ फाइल क्यों बनाते हैं अक्सर मोबाइल्स के। आपने कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसे पीडीएफ करके किसी डॉक्यूमेंट को या किसी वेबसाइट को भेजना चाहते हैं, तो आपने किसी वीडियो को या आपके पास कोई पिक्चर है, आप उसे पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं। अक्सर वेबसाइट तो पीडीएफ फाइल पे होती हैं, और अक्सर क्या करते हैं, जिनके मोबाइल का कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो उसे पीडीएफ फाइल करके व्हाट्सएप कर देते हैं। तो आज की वीडियो बताने वाला हूँ कैसे आप एक नॉर्मल टेक्स्ट को पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ, और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर से करने जाते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। स्क्रीन पर सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, और यहाँ से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फास्ट स्कैनर। सर्च करना है फास्ट स्कैनर, ये एप्लीकेशन है फास्ट स्कैनर, ये वाली, ये आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे यहाँ से ओपन करना है, यहाँ जाके ये फास्ट स्कैनर एप्लीकेशन, इसे आपने ओपन कर देना है। इसे ओपन करने के बाद अभी ये ओपन हो रही है, देखिए हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, नीचे देखें कैमरे वाला ऑप्शन दिख रहे हैं आप, कैमरे वाला, इस कैमरे वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिया मैंने, और यह देखें ये मेरे टेक्स्ट आ गए मेरे पास। मैं अभी टेक्स्ट को पीडीएफ बनाना चाहता हूँ, जितना आपने टेक्स्ट लेना है उतना ले सकते हैं। उसके बाद ये वाइट वाला देख रहे हैं आप, इस पर आपने क्लिक कर देना है पीडीएफ लेके, और यहाँ से मैं पीडीएफ लेता हूँ इतना, और ये देखें यहाँ से मैंने पीडीएफ ले लिया। पीडीएफ लेने के बाद जहाँ से जितना आप काटना चाहते हैं, पूरा पेज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं यहाँ से, मैं इतना करना चाहता हूँ। उसके बाद ये टिक देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस ये देखें हो चुका है पीडीएफ बिल्कुल, ये देखें देख सकते हैं आप। अगर आप इसकी ओरिजिनल फ़ोटो दिखाना चाहते हैं, फ़ोटो मैंने क्लिक करना है, ये ओरिजिनल फ़ोटो, और ये रही पीडीएफ। इस तरह आप कलर को चेंज कर सकते हैं पीडीएफ के, और बहुत ही अच्छा कलर है। और आपने इसे सेव कैसे करना है अपनी गैलरी पे, सबसे पहले टिक पर जाना है, टिक पर क्लिक करना है, और ओके कर देता हूँ। जैसा कि मैं ये इस पर क्लिक करना है, ये नो डॉक्यूमेंट बन चुका है। उसके बाद ये थ्री डॉट पर जाना है अपने, उसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी पीडीएफ गैलरी में सेव हो जाएगी। और अगर आप करना चाहते हैं किसी आपके पास सेव है कोई फ़ोटो, तो आप उसे कैसे करना चाहते हैं पीडीएफ, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स पर जाके, और कैसे करना है यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसी तरह आप कर सकते हैं पीडीएफ।